नमस्कार दोस्तों, अभी टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और साथ साथ में बेल का आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बायोस्टार का मदरबोर्ड है H61B, ठीक है। और आज मैं इसको ओपन करके दिखाना और इसमें क्या क्या मिल रहा है बॉक्स के अंदर में। अरे तो चाइनीज़ में लिखा हुआ बायोस्टार देखिए, और इंटेल कोर में चलता है सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए बायोस्टार, और यहाँ पे देखिए ये तो चाइनीज़ में ही कुछ लिखा हुआ है। इसका प्राइस वगैरह सब जो भी है सब चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें और कुछ भी नहीं है। और ये सपोर्ट करता है देखिए PCIe देखिए 16 है, और DDR3 का रैम है, डुअल लगेगा, और HD ऑडियो है, और SATA केबल लगेगा, और USB 2 है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये विंडोज 7 10 कंफर्टेबल चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ इसको। ओपन करने के बाद पहले मुझे मिल गया इन्वॉइस, ठीक है। ये जो इन्वॉइस है इसका प्राइस देखिए 4700 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए GST वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है। इसको साइड करते हैं। इसके बाद ये देखिए अमेजन का है, अमेजन का बिल है, इसको भी साइड करते हैं। यहाँ पे मुझे दो ठो शायद SATA केबल है, दो ठो है, ठीक है। और उसके पीछे में ये लगेगा उसका कवर ठो है, ठीक है। आपका हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बायोस्टार का वारंटी कार्ड है, और देखते हैं इसमें और क्या है। बायोस्टार के थ्रू से एक और मतलब कुछ गाइड है यहाँ पे, कैसे आप मतलब CPU लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए है। और ये बायोस्टार का देखिए मैनुअल बुक है, ठीक है। कुछ रुकिए देखते हैं इसमें क्या है। और हाँ, इसमें एक DVD भी है। इस DVD में लिखा हुआ है इंटेल सीरीज, यहाँ पे यूजर मैनुअल और ड्राइवर है। इस DVD में इसका ड्राइवर वगैरह सब है, ठीक है। तो इसको लेते हैं साइड, और ये देखिए फाइनली हम लोग का मदरबोर्ड आ गया। ये रहा हम लोग को बायोस्टार का H61B का मदरबोर्ड, देखिए देख रहे हैं। यहाँ पे दो स्लॉट है जिसमें कि रैम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 स्लॉट है जिसमें कि GPU लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे CPU लगेगा, और इस साइड में देखते हैं क्या क्या सब अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए USB है, ऑडियो है, लैन है, और VGA है, और ये बहुत पुराना USB केबल जो लगता है उसका है, पोर्ट सब है, ठीक है। HDMI पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।